हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिमाचल एग्जाम। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो सीरीज में जो स्पेशली बनाई जा रही है JIT कंप्यूटर ऑपरेटर और क्लर्क के लिए। दोस्तों, अगर वीडियोस आपको हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पिछली वीडियोस में मैंने आपको सिंपल कन्वर्जन्स के बारे में आपको बताया था, मतलब हेक्साडेसिमल से ऑक्टल या फिर ऑक्टल से बाइनरी या फिर बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों, वो तो थी आपकी सिंपल कन्वर्जन, और अगर आपकी वैल्यू हो फ्लोट तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब अगर आपकी वैल्यू कोई दशमलव में हो उसको किसी और बेस में कन्वर्ट करना हो तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए आपकी वैल्यू है ये 1010.01 और इसको आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो अगर आपका सिंपल 1010 नंबर होता तो उसको कैसे कन्वर्ट करते थे, वो तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता दिया था। उसमें हम क्या करते थे कि जीरो को मल्टीप्लाई करते थे 2^0 के साथ, फिर 1 को मल्टीप्लाई करते थे 2^1 के साथ, फिर 2^2 के साथ, फिर 2^3 के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं, जीरो को मल्टीप्लाई किया 2^0 के साथ। तो अब दशमलव के बाद की जो वैल्यू है उसको कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इसमें आपको क्या करना है, जो आपकी जीरो है उसको मल्टीप्लाई करना है 2^-1 के साथ, और जो 1 आपका होगा उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 2^-2 के साथ, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अब मेन बात है कि 2^-1 को कैसे सॉल्व किया जाए। तो 2^-1 को हम दूसरे वे में कैसे लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं 1/2, जिसकी वैल्यू आपकी होती है 0.50। और 2^-2 को अगर दूसरे वे में लिखा जाए तो इसको लिखा जा सकता है 1/4, जिसकी वैल्यू आपकी बनती है 0.25। फिर हमने इनका सम कर लेना है, जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी डेसिमल नंबर। तो देखिए 10.25 जो आपका है वो है डेसिमल नंबर। अब अगर आपने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो वो कैसे करेंगे। तो मान लीजिए आपका नंबर है 7.75 और इसे कन्वर्ट करना है आपने बाइनरी नंबर में, तो आप क्या करेंगे, 7 को पहले सॉल्व करेंगे और 0.75 को बाद में करेंगे। तो हम डेसिमल से बाइनरी नंबर कैसे निकालते थे, हम निकालते थे एलसीएम, मतलब 7 को डिवाइड करते थे 2 के साथ। अगर 7 को 2 के साथ डिवाइड किया जाए तो उसका रिजल्ट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 3, और जो रिमाइंडर आपका होगा वो होगा 1। फिर 3 को अगर दोबारा डिवाइड करते हैं 2 के साथ तो रिजल्ट आपका मिला 1 और रिमाइंडर मिला आपका 1, और 1 को अगर डिवाइड करें 2 के साथ तो रिजल्ट आपका मिला 0 और रिमाइंडर आपका मिला 1। फिर हम जो रिजल्ट लिखते थे वो लिखते थे नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब हम रिजल्ट लिखेंगे पहले 1 फिर 1 फिर 1। तो 7 का बाइनरी नंबर आपका बना 111, और 0.75 को अगर कन्वर्ट करना हो बाइनरी नंबर में तो वो कैसे करेंगे। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई, और कब तक करेंगे, जब तक आपका रिजल्ट 1.00 नहीं आ जाता। तो देखिए वैसा ही हमने इसमें किया, 0.75 को मल्टीप्लाई किया पहले 2 के साथ तो क्या आई वैल्यू आपकी 1.50। फिर उसके बाद दोबारा किया, मतलब 1.50 से हमने जो रिजल्ट लेना है वो हमने लिख लेना है 1, और इसको फिर हम मानेंगे 0.50, और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा 2 के साथ, और हमें जो रिजल्ट मिला वो मिला 1.50। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ तक आपको मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 1 यहाँ से ले लिया और यहाँ मिल गया आपको 0.0, यहाँ पे आप स्टॉप कर लेंगे, और जो रिजल्ट लिखेंगे वो लिखेंगे टॉप टू बॉटम, मतलब 1:1 इसका रिजल्ट आएगा। तो 0.75 को अगर कन्वर्ट करें बाइनरी नंबर में तो ये आएगा 0.11, और इसका पूरा रिजल्ट अगर लिखा जाए 7.575 का अगर रिजल्ट लिखा जाए बाइनरी नंबर में तो ये आपका बना 111.11। तो चलिए कुछ और एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए 0.625 को आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जिसका आपका रिजल्ट मिला 1.25, यहां से हम क्या लेंगे 1, और इसको मानेंगे 0.25, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ
जिसका रिजल्ट मिला 0.5। अब देखिए यहाँ 0 है तो हम यहाँ से 0 लेंगे, फिर 0.5 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपको रिजल्ट मिला 1.0। यहाँ से हम जो 1 होगा उसे लिख लेंगे और 0.0 पे स्टॉप कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो रिजल्ट लिखते हैं वो लिखते हैं टॉप टू बॉटम, मतलब 101 जो आपका होगा वो होगा रिजल्ट। तो 0.625 का जो रिजल्ट मिला हमें वो मिला 0.101। वैसे ही सेम क्वेश्चन आपका ये है, 0.6 को अगर कन्वर्ट करना हो बाइनरी में तो कैसे कन्वर्ट करते हैं। वैसा ही मैंने जैसे आपको बताया, 0.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर यहाँ से 1 लेंगे, फिर यहाँ से 0, फिर 0, फिर 1, मतलब टॉप से हम बॉटम की तरफ लिखेंगे। और कब तक लिखेंगे? जब तक हमें रिजल्ट ना मिले 0.0। तो ये था आपका डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब नंबर आपका आता है डेसिमल से ऑक्टल में अगर कन्वर्ट करना हो तो कैसे करते हैं। तो मान लीजिए ये नंबर है आपका डेसिमल 10.25 और इसे कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर में। तो सबसे पहले हम 10 को सॉल्व करेंगे। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते थे 2 के साथ, तो ऑक्टल में अगर कन्वर्ट करना हो तो हम डिवाइड करेंगे 8 के साथ। तो अगर 10 को 8 के साथ डिवाइड किया गया तो रिजल्ट हमें 1 मिला और रिमाइंडर मिला 2। और 1 को अगर डिवाइड किया जाए 8 के साथ तो रिजल्ट मिला 0 और रिमाइंडर मिला 1। और फिर बॉटम से टॉप की तरफ चलेंगे तो 1, 2 जो आपका होगा वो होगा ऑक्टल नंबर। फिर अगर सॉल्व करना हो 0.25, तो बाइनरी में हमने क्या किया था, हमने किया था मल्टीप्लाई 2 के साथ। अब ऑक्टल में कैसे करना है, ऑक्टल में हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ। तो देखिए 0.25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो हमें रिजल्ट मिलेगा 2.00, जिसमें से हम 2 ले लेंगे और रिजल्ट मिलेगा 0.00। तो 0.25 का रिजल्ट आपका मिल जाएगा 0.2। और सारा रिजल्ट अगर आपका लिखना हो 10.25 का तो ये रिजल्ट आपका आया 12.2। अब ऑक्टल से अगर आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करते हैं, तो 12 को आप अलग लिख लीजिए और 2 को आप अलग लिख लीजिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 raised to power 0 के साथ और फिर प्लस उनका करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 8 raised to power 1 के साथ। और अगर सॉल्व करना हो 0.2 को तो उसमें हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 raised to power -1 के साथ। 8 raised to power -1 को आप लिख सकते हैं 1 divided by 8। 2 से देखिए फिर 8 आपका कट जाएगा तो यहाँ वैल्यू आपकी बच जाएगी 1/4, जिसका आपका रिजल्ट होगा 0.25। फिर आपको इनका सम कर लेना है, जो आपका रिजल्ट आएगा वो होगा आपका डेसिमल नंबर। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होता हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।